आज हम जा रहे हैं मिलने मिरांडा हाउस की एक स्पेशल गेस्ट से, जिसने ICSE बोर्ड से जो है अपनी क्लास 12th की एंड उसके बाद जो भी आपका एक डेढ़ महीने का जो टाइम फ्रेम होता है ना, उसके अंदर शुरू से NCERT की बुक्स पढ़ाई की एंड एक डेढ़ महीने के अंदर ही मिरांडा हाउस तक पहुंचने तक के CET के अंदर स्कोर किया, समझ रहे हो आप। तो ये वीडियो ICSE वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है, वो है, लेकिन वो बच्चे जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप डेढ़ महीने में यार मिरांडा हाउस जो कि NIRF रैंकिंग 1 है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं। तो अंजलि, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें टाइम दिया। एंड सबसे पहले आप ये बताइए कि आप मिरांडा हाउस से जो है कौन सा कोर्स कर रहे हैं एंड आपका CET का हर एक सब्जेक्ट में क्या स्कोर था? मैं अभी मिरांडा हाउस से BA प्रोग्राम कर रही हूँ विद अ मेजर इन पॉलिटिकल साइंस एंड माइनर इन इकोनॉमिक्स। ओके। और मेरा सब्जेक्ट्स वे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड या दैट्स ऑल, इंग्लिश एज माय लैंग्वेज। इंग्लिश एज योर लैंग्वेज। तो आपने कितने मार्क्स स्कोर किए, कुछ याद है अलग अलग सब्जेक्ट में? पॉलिटिकल साइंस में आई स्कोर 200 आउट ऑफ 200। हाँ। इकोनॉमिक्स में आई स्कोर 194 आउट ऑफ 200। हिस्ट्री में माई स्कोर वॉज समथिंग अराउंड 185 और 186 इस रेंज में था एंड इंग्लिश में माई स्कोर वॉज 180 अराउंड 180। सो आफ्टर बींग एन ICSE स्टूडेंट, ICSE बोर्ड से आपने क्लास 12th की, तो क्या क्या डिफिकल्टीज एक ICSE बोर्ड वाले बच्चे को फेस करनी पड़ती हैं CET देने के अंदर, सो वो बताइए। आई थिंक सबसे मेजर प्रॉब्लम जो फेस करते हैं स्टूडेंट्स वो कि सिलेबस बहुत ज़्यादा अलग है ICSE का और CET का, और CBSE स्टूडेंट्स का वो वही NCERTs पढ़ते हैं एक साल से एंड देन दे अपीयर फॉर द एग्जाम। बट हमारे केस में इट वॉज लाइक हमारे बोर्ड्स के बाद वी हैड टू बाय न्यू बुक्स एंड उससे फिर हमें पढ़ाई स्टार्ट से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा, तो दैट वॉज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। एंड सेकेंड वॉज आई गेस उसमें जब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो वी ऑफन लुक फॉर CET टॉपर्स के स्ट्रैटेजी वीडियोज़, तो उसमें सब टॉपर्स बोलते हैं कि आप 12th तक तो पढ़ लिए हो एंड देन आपको सिर्फ रिवीजन करना है, बट वो ISC स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट हो जाता है। मतलब पढ़ लिया उसको रिवाइज करने का बोलते हैं वो, तो हमारे लिए तो वो उस टाइम पे हम स्टार्ट करते हैं, तो दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ डिस्करेजमेंट आई थिंक। तो ICSE में ऐसा क्या पढ़ाते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होता है, NCERT में भी नहीं होता? ICSE का सिलेबस का पैटर्न ही अलग है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, तो NCERT में मैंने देखा वी वर स्टडिंग एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करके मॉडर्न हिस्ट्री तक जा रहे थे, लाइक हरप्पन सिविलाइजेशन से स्टार्ट होके इट वॉज गोइंग टिल 1947 के पीरियड तक। बट ICSE में द डिफरेंस वॉज हम लोग 1947 के बाद का पीरियड का पढ़ रहे थे, सो इट वॉज लाइक पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, तो एंटायरली डिफरेंट सिलेबस हो जाता है। थोड़ा बहुत भी मैच नहीं होता, लेट्स से 50% 40%? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज पीरियड ही अलग हो जाता है एंड पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस ओवरलैप कर रहा था हिस्ट्री के सिलेबस के साथ। लाइक पॉलिटिकल साइंस का CET का सिलेबस वाज ओवरलैपिंग विद हिस्ट्री का ISE का सिलेबस, सो उस केस में आई गेस वहाँ से थोड़ा सा हेल्प मिला था, बट नॉट कम्प्लीटली, एकदम से नहीं था, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था कि आई हैव स्टडीड अबाउट दिस टॉपिक। ओके, सो नेक्स्ट हम अगर बात करें कि जब आपके ICSE के बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हुए होंगे, कितना टाइम था आपके पास CET के लिए? अराउंड 45 डेज। तो क्या एक बच्चा भले ही CBSE का हो या ICSE का हो, जिसने नहीं पढ़ाई की है CBSE का हो किसी भी बोर्ड का हो, 45 डेज में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है, बट थोड़ा सा मतलब एक चीज़ तो यू हैव टू अग्री कि थोड़ा सा CBSE स्टूडेंट से ज़्यादा आवर्स पुट इन करने पड़ेंगे। कितने घंटे पढ़ते थे आप? लाइक ऐसे पूरे दिन बैठी रहती थी, बट लाइक खाने के लिए उठ गई और ऐसे काम के लिए उठ गई, तो वही रहता था। मतलब मेरे पूरे दिन ही 5 स्लॉट्स में डिवाइडेड था, स्टार्टिंग फ्रॉम 4:30 इन द मॉर्निंग, तो वो स्ट्रेच होते होते 11 तक जाता था। तो मतलब आप लगभग 7-8 घंटे सोते थे, बाकी काम आपका पढ़ाई का ही था 45 डेज के लिए? उस पीरियड में तो सिर्फ CET को ही मतलब था। और आपने मतलब ऐसी किस हिसाब से आपने मेन जो 4 सब्जेक्ट दिए थे किस हिसाब से आपने उनको बांटा, लेट्स से हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स? हाँ, तो मतलब मैंने क्या किया कि मुझे पता था कि मैं बहुत पीछे हूँ कंपेयर टू CBSE स्टूडेंट्स, तो मैंने आई एनश्योर्ड कि मैं हर सब्जेक्ट को एक दिन में करूँ, मतलब नॉट लाइक कि मैं एक चैप्टर पहले कंप्लीट, मतलब एक सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करूँ एंड देन मूव ऑन टू नेक्स्ट सब्जेक्ट। मैंने ये स्ट्रैटेजी नहीं चुना क्योंकि फिर उससे मेरे को फियर रहेगा कि मैंने दूसरा सब्जेक्ट अभी तक पढ़ा ही नहीं है, तो मैं दिन में एक सब्जेक्ट, मतलब मैं एक सब्जेक्ट को एक बार में प्रायोरिटाइज करती थी, तो मैं पॉलिटिकल साइंस का लेट्स से 2 चैप्टर एक दिन में किया फ्रॉम 4:30 to 9 एंड देन मैंने हिस्ट्री का एक चैप्टर किया एंड मैंने इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर किया एंड उसके साथ मैंने थोड़ा बहुत मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। मैथ्स का सिलेबस वॉज थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग, तो इट वॉज इंग्लिश में तो मतलब ऐसा था कि मुझे लगता था कि इंग्लिश एक एडवांटेज है जो ICSE स्टूडेंट्स को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इंग्लिश को मैं ज़्यादा टाइम नहीं देती थी क्योंकि मैं इन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंक्लाइन रहती थी,
तो ऐसे किया। लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री। तो आपने हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक है वहीं से पढ़ा या बाहर से पढ़ा कुछ? नहीं, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा, और एनसीईआरटी में भी मतलब बहुत इन्फॉर्मेशन है। एक चैप्टर इज अराउंड 40 पेजेस के आसपास का, तो मतलब उसमें इतने फैक्ट्स है तो उसको रिवाइज करने में इतना टाइम लग जाएगा कि दूसरे बुक्स पे जाने का टाइम नहीं मिलेगा। एंड मैंने सुना था कि मतलब एनसीईआरटी से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं, एंड आई अटेम्प्टेड अ लॉट ऑफ मॉक्स। तो मेरे को जहाँ पे लग रहा था कि यहाँ पे गैप हो जा रहा है, मेरा नॉलेज गैप बन रहा है, तो मैं उससे मॉक्स से फिर से कॉम्प्लीमेंट कर लेती थी। मॉक्स कहाँ से आप लोग अटेम्प्ट करते थे? मॉक्स मैं मोस्टली ऑनलाइन कर लेती थी, और मैंने DUBT से भी ऑनलाइन क्लासेस इन द फॉर्म ऑफ लाइव क्लासेस होता था। लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया था। हाँ, तो मैंने वो बहुत मैंने शाम को 7 बजे वो हमेशा लेके मैं बैठ जाती थी। उसमें मॉक्स डिस्कस होता था, मतलब क्वेश्चंस MCQs, तो मैं उससे कर लेती थी। आपको पता है वो क्वेश्चंस कौन पढ़ाता था? जिनसे अभी आप मिले थे, नैंसी। वही आपको पढ़ाती थी। तो ऑनलाइन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि लास्ट ईयर आई थिंक हिस्ट्री का पेपर जो है ना वो 30 से ज़्यादा शिफ्ट में हुआ था। हाँ। सबके क्वेश्चंस अगर किसी बच्चे को मिल जाएं 30 के 30 शिफ्ट के, वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल होगा उनके लिए? आई थिंक वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मेरे टाइम पे तो इट वाज नॉट अवेलेबल, सेकंड ईयर था CUET का, बट आई थिंक अगर ये अभी स्टूडेंट्स को मिल जाए तो उन्हें ऐसा एक वो हो जाएगा कि ओके ऐसा टाइप के क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, तो वो थोड़ा उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। और उस पतली सी NCERT की बुक से अगर 30 सेट NTA बना ही चुका है, तो बाहर से मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस आई थिंक बन जाते हैं उसके अंदर से। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि कहीं ना कहीं स्लॉट्स में बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, एक सब्जेक्ट एक बार में तो होता नहीं है। 30 में हुआ था हिस्ट्री का 2023 में, एंड हमने वो सारे अवेलेबल करवा दिए हैं DUBT ऐप के ऊपर, जहाँ पे आप भी जा करके अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर हम पोल साइंस की बात करें तो उसमें आपने क्या स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई? पोल साइंस वॉज कम्पेरेटिवली ईजियर फॉर मी, क्योंकि पोल साइंस में हिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा ओवरलैप कर जाता था ISC का हिस्ट्री का सिलेबस। सो आई थिंक उस केस में मैंने पोल साइंस में 2 बुक्स आते हैं, तो मैंने उन बुक्स को मैंने अपना स्ट्रैटेजी ऐसा रखा कि पहले मैं एक बुक कंप्लीट करूँगी, एंड बाय द टाइम आई रीच सेकंड बुक तो मैं उस एक बुक का एक एक चैप्टर रिवाइज करती रहूँगी। दूसरे नोट्स बनाते थे आप? मैंने सिर्फ सेकंड बुक का नोट्स बनाया था, क्योंकि वो थोड़ा पार्टीज रिलेटेड था, किसके बाद कौन सी पार्टीज आई, तो उस केस में आई थिंक नोट्स बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। और अदरवाइज मैंने और किसी इकोनॉमिक्स के लिए भी मैंने नोट्स बनाए थे, बस बाकियों के लिए हाईलाइट कर लेते थे आप? हाँ, और मैं उसमें ऐड ऑन कर देती थी पेजेस में, मतलब लिख के पेन पेंसिल से ना। तो आप लोग भी कर सकते हो ये, नोट्स पसंद है नोट्स बनाओ, अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाओ, कुछ का लिख के ही काम चल जा रहा है उसको करो। किसी के पास हो सकता है 100 दिन हो, किसी के पास 45 दिन हो, अपनी स्ट्रेटजी अपने अकॉर्डिंग बनाओगे तो टॉपर बन सकते हो आप भी, समझे। सो पोल साइंस में आपने 2 बुक्स जो थी वो अलग अलग करके आपने उनके अकॉर्डिंग किया, और अगेन अबाउट क्वेश्चंस आपने मॉक्स जो हैं वो ट्राई करे। कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे होंगे अगर हम बात करें पोल साइंस के, लाइक फाइनल एग्जाम पेपर में या फिर मॉक्स? नहीं, मॉक्स में, मतलब कि मैं जब तक 1000 क्वेश्चन कर चुकी थी, 2000 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुकी थी। ऐसे तो मैं आई थिंक 9-10 मॉक्स दिए होंगे मैंने हर एक सब्जेक्ट का। हर एक सब्जेक्ट के 9 से 10 मॉक्स आपने दिए। और NCERT को कितना डेप्थ में पढ़ता था, मतलब पढ़ाया आपने कितना? NCERT को मैंने बहुत डेप्थ में पढ़ा, उसमें जो साइड में जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उसे भी अच्छे से पढ़ा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद बैक ऑफ द क्वेश्चंस कुछ समरी दिया रहता है, पूरे चैप्टर का समरी, तो उसमें भी मैं पढ़ती थी, सो डैट अगर मेरा नॉलेज बेस कहीं पे वीक रह गया तो मैं उससे सप्लीमेंट कर लूँ, और मैं हाईलाइट कर देती थी तो उस हिसाब से हो जाता था। एंड व्हाट अबाउट इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स वाज लाइक इट वॉज वेरी कंसेप्चुअल, तो उसमें ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता था एज इन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। उसमें ज़्यादातर मेरे को कॉन्सेप्ट समझने थे, तो वो मैं हर दिन एक यूनिट करती थी, एज इन एक चैप्टर करती थी, और 1-1.5 घंटे में मेरा हो जाता था। कहाँ से? YouTube से देखते थे आप चैप्टर्स? चैप्टर्स में YouTube से नहीं, मैं बुक से ही करती थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं YouTube को जाके सर्च करूँ और लंबा वीडियो देखूँ। तो मेरे को कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट आता था तो मैं वो टॉपिक सर्च कर लेती थी, रिगार्डलेस ऑफ CUET या बोर्ड, मैं वो टॉपिक समझ लेती थी खुद से। मेरे मन में एक डाउट आ रहा है कि यार, मतलब जो आपका CUET का इकोनॉमिक्स होता है या CBSE का, वो भी ICSE से मैच नहीं होता, तो ऐसा क्या पढ़ाते हैं ICSE में इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स में सिलेबस तो मैच होता है, कॉन्सेप्ट्स रहते हैं तो वो तो चेंज नहीं होते हैं, बट कुछ कुछ ऐसे एडेड टॉपिक्स है जो CBSE में है, और कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो सिर्फ ISC में है, तो थोड़ा सा फिल्टर आउट करना पड़ता है कि ये टॉपिक्स मेरे पढ़े हुए हैं और ये टॉपिक्स एक्स्ट्रा है। तो मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक्स के नोट्स बना लिए थे कि ये टॉपिक्स है जो मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, और मैं YouTube से थोड़ा बहुत सप्लीमेंट करके पढ़ लेती थी। एंड इकोनॉमिक्स में मैंने NCERT कम ही फॉलो किया, क्योंकि वो बहुत एक्सप्लेनेटरी था और इतना मेरे को ज़रूरत नहीं था, सिंस इकोनॉमिक्स में मेरा ऑलरेडी बैकग्राउंड था, तो फिर मैंने सिर्फ सीधा YouTube से किया और नोट्स बना लिया। और न्यूमेरिकल्स के लिए आई थिंक जब मॉक्स देते हैं तो उसमें बहुत न्यूमेरिकल्स रहते हैं, तो उससे हो जाता है। अपने कहीं अलग से न्यूमेरिकल सोल्व नहीं किए? नहीं।
तो आप जो मॉक्स देते थे वो कंप्लीट मॉक्स देते थे, चैप्टर वाइज भी आपने अटेम्प्ट किए तीनों सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो? चैप्टर वाइज तो ऐसे अवेलेबल नहीं था, होगा भी तो मैंने, मुझे तो नहीं मिला। हाँ। तो मैंने सब कंप्लीट हो गया तो मैं पूरा बुक का मॉक देती थी। अभी अवेलेबल है भाई ड्यूबडी ऐप पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का चैप्टर वाइज, तो आप लोग कर सकते हो। लास्ट ईयर सॉरी अंजलि हम लोग नहीं लेके आ पाए लास्ट ईयर क्योंकि उस टाइम पे अवेलेबल ही नहीं थे। हमने भी इस साल जो है जैसे तैसे कुछ इनोवेशन लगा करके जो रेस्पॉन्स शीट चेकर था आपने यूज़ किया था? रिस्पॉन्स शीट चेकर मैंने पहले खुद से कर लिया था, फिर मैंने किया था आपने यूज़ था। वी कलेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम देयर ईच एंड एवरी शिफ्ट, मोर देन मतलब हर सब्जेक्ट के 30 से ज़्यादा पेपर्स हैं तो हमने वहाँ से कलेक्ट किए थे। एंड चलो आपने चैप्टर वाइज अगर है अवेलेबल तो आपके जूनियर्स को देने चाहिए वो। हाँ डेफिनेटली चैप्टर अगर मेरे टाइम पे अवेलेबल होते तो मैं एक चैप्टर कंप्लीट करके फिर मैं मॉक्स देती इस चैप्टर। सो टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, जो आपका मैथ्स था तो मैथ्स के अंदर जो सिलेबस था वो मैच होता था आईसीएसई से या बिल्कुल नया था? मैथ्स भी आईसीएसई ने कुछ नया इन्वेंट कर दिया था। मैथ्स मैच होता था और मैथ्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया था क्योंकि सिलेबस तो सेम था मैथ्स का और क्वेश्चंस भी जो हम वहाँ पे पढ़ते हैं वो सेम ही क्वेश्चंस रहते हैं, प्रैक्टिस करना रहता है। बट मैथ्स ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से थी तो मैथ्स का एक सेक्शन होता है जो सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं और एक सेक्शन रहता है जो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए रहता है। तो वो सेक्शन जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था सिंस वो साइंस स्टूडेंट्स के लिए था तो वो सेक्शन वॉज कंपल्सरी इन सीयूईटी, तो वो सेक्शन के लिए मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़े थे। कॉमन वाला सेक्शन जो उसमें कॉमन 15 क्वेश्चन आते हैं आई थिंक। नहीं नहीं मैं चैप्टर्स का बात कर रही हूँ। अच्छा, चैप्टर्स का। तो कुछ चैप्टर्स रहते हैं जो साइंस स्टूडेंट्स और ह्यूमैनिटीज दोनों करते हैं बट कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स के लिए रहते हैं। ओके, ओके। तो इन दैट केस मैंने वो चैप्टर्स को थोड़ा बहुत यूट्यूब से इसका समझ के उसके बाद मैं उसका क्वेश्चन सॉल्व करती थी। बट आई पर्सनली फाउंड आउट कि वो चैप्टर्स मेरे लिए थोड़े से डिफिकल्ट हो जा रहे थे क्योंकि आई वॉज ऑल्सो डूइंग इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस सब न्यू था तो मुझे लगा इट्स बेटर कि मैं क्वालिटी पे फोकस करूँ देन क्वांटिटी। मैथ्स तो आपका जुड़ा भी नहीं होगा बेस्ट फोर में? नहीं, मैथ्स को मैंने ऐड नहीं किया था। मैंने स्टार्टिंग से सोच लिया था कि मैथ्स को बस मैं दे रही हूँ बट मैथ्स को अगर नहीं रहा स्कोर उतना ज़्यादा अच्छा तो आई विल नॉट लेट दिस ऐड। तो मैथ्स में मैंने वो पूरा सेक्शन छोड़ दिया था, आई कुड नॉट कंप्लीट इट क्योंकि टाइम नहीं था, ओनली आई हैड 40-45 डेज। यू आर वेरी प्रैक्टिकल, व्हाट आर माय वीकनेसेस, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, ऑन वीकनेसेस आई विल डू दिस, ऑन स्ट्रेंथ आई विल डू दिस। नेक्स्ट हम लोग वहाँ चलते हैं, इंग्लिश की स्टडी वहाँ जाकर डिस्कस करते हैं। तो भाई अभी बात करते करते हम जो अगर आप लोग नॉर्थ कैंपस में आ पाते हो डीयू के तो आप लोग यहाँ पे आ पाओगे, गौतम बुद्धा पार्क है ये। तो यहाँ पे हम घूमते फिरते पहुँच गए, इंग्लिश की स्ट्रेटजी अब हम जानते हैं अंजलि से। तो भाई आईसीएसई वालों के लिए इंग्लिश इज़ लाइक हलवा बट कुछ तो थोड़ा सा तो किया होगा ना कि कॉन्फिडेंस तो आए, पता हाँ। कैसे चला कि इंग्लिश इतना ईजी होता है? इंग्लिश के लिए मैंने प्रीवियस ईयर में मतलब प्रीवियस ईयर का जो सीयूईटी था मैंने मुझे पता चला कि उसमें ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आ रहे लाइक सिनोनिम्स एंटोनिम्स एंड ग्रामर पोर्शन कम था बट आईएससी स्टूडेंट्स का ग्रामर स्ट्रॉन्ग होता है बहुत ज़्यादा एंड वो भी स्ट्रॉन्ग रहता है बट कंपैरेटिवली हम लोग ग्रामर ज़्यादा फोकस करते हैं आईएससी में। तो उसके लिए मैं फिर से अगेन डीयूबीडी का जो लाइव क्लासेस होता था अब नहीं होता यार, अब बंद कर दिया है, लास्ट ईयर ही किया था हमने, अब नहीं होता है सब क्लासेस। बट हाँ डीयूबीडी पे हमने वो सारा मटेरियल ऐप के ऊपर अपलोड करा दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश का, वो आप चेक कर सकते हो। हाँ जी, तो फिर मैं डीयूबीडी से वो रोज़ जितने भी क्वेश्चंस आते थे मैं वो नोट डाउन करती थी एंड उसे रिवाइज करती थी। अच्छा, जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस तो मैं वैसे किया बट ये बात था कि जब मैं एग्जाम देने गई तो पूरा पैटर्न चेंज हो गया था एंड ग्रामर पोर्शन ज़्यादा आ गया था एंड देयर वाज नो क्वेश्चन फ्रॉम दीज पोर्शन। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है देन आई बी एबल टू हैंडल क्योंकि ग्रामर पोर्शन वाज कंपैरेटिवली इजियर फॉर मी। मतलब इतना हाई लेवल का आता भी नहीं है इंग्लिश, इफ यू आर फ्रॉम नॉर्मल इंग्लिश मीडियम स्कूल। हाँ, देन यू विल बी एबल टू डू इट। हां, पूछ लिया यार, बस उसमें थोड़ा फोकस करना पड़ता है कि उसमें क्वेश्चंस है राइट द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग, तो हम एंटोनिम कर देते हैं, कभी सिनोनिम रहता है, सिली मिस्टेक्स। हाँ, तो लाइक वो जो लिखा रहता है क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है एंड देन आंसर करना पड़ता है। मतलब इतना ज्यादा हार्ड है नहीं इफ यू आर फ्रॉम नॉर्मल इंग्लिश मीडियम स्कूल, आप बहुत डूएबल, बिना पढ़े भी 160 तो कर ही लोगे, थोड़ा सा पढ़ोगे तो यू कैन गो फॉर 200 के आसपास वाला स्कोर। सो एनी टिप्स जो आपकी तरह आईसीएससी वाले बच्चे हों जो थोड़ा सा एक लेफ्ट आउट फॉर्मो बोलते हैं शायद आजकल की भाषा में, तो जो लेफ्ट आउट फील कर रहे हों और एक स्ट्रेस भी रहा होगा कि मैं नहीं दे रही सीबीटी, मैं सीबीएसई बोर्ड मतलब मैं 12th के बेसिस पे जो एडमिशन देता होगा उस कॉलेज में ले लूँगी। हाँ डेफिनेटली, आई थिंक पहला बात तो इट्स डूएबल, तो कोई कर सकता है 40-45 डेज में। बस ये है कि सीबीएसई स्टूडेंट से थोड़ा सा ज़्यादा आर्ट्स पुटिंग करना पड़ेगा और अपने आप को थोड़ा सा फ्रेंड से दूर रखना पड़ेगा क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि क्या कर रही हो, छोड़ो यार, इतना कौन करता है बोर्ड्स के बाद। एंड सेकेंडली एनसीईआरटी इज़ द
गेम चेंजिंग थिंग. एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन सब चीज़ पता होना चाहिए, कौन सा चीज़ कौन से पेज पे दिया हुआ है वो रहना चाहिए. तो आई थिंक रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज़ में. एंड थर्डली मॉक टेस्ट बहुत सारे देने चाहिए, क्वेश्चन जितने अटेम्प्ट करोगे उतने. और बीच में ये लगता था कि नहीं होगा? हाँ लगता ही था, रोज़ ही लगता था कि क्या ही कर रही हूँ. और फर्स्ट टाइम जब मैंने रीड किया था, एक बुक कंप्लीट कर लिया एंड मैं मॉक टेस्ट देने गई और मेरे को कुछ नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा कि ये क्या हो गया, पूरा बुक पढ़ा, इतना टाइम लगाया, अभी मुझे कुछ नहीं आ रहा है. फिर देन आई अंडरस्टूड कि क्योंकि मेरा रिविजन नहीं हुआ है, तो मैंने फिर उसको बहुत बार रिवाइज किया. आई वॉज एबल टू डू इट, तो इट्स डूएबल, बस रिविजन होना चाहिए. आई वॉन्ट टू नो द एलिमेंट जिसने आपको ये नहीं बोला कि यार मॉक टेस्ट नहीं हुआ, गिव अवे कर दे, मतलब गिव अप कर देती हूँ, गिव अवे नहीं. हाँ तो आई थिंक वो था कि मुझे लगता था कि मैंने हर एक बहुत ही अजीब चीज़ किया था, मैंने हर बुक के कुछ कुछ रैंडमली कुछ पेजेस सेलेक्ट किए हैं, मैंने उसमें लिख दिया था येस येस यू आर अबाउट टू फिनिश, यू आर अबाउट टू गो एंड यू आर ऑलमोस्ट डन. तो फिर इससे क्या होता है, जब मैं उस सेक्शन तक पहुंचती थी पढ़ते पढ़ते एंड वो अचानक से मुझे वो टेक्स्ट दिखता था कि मैंने ऐसे करके कभी लिखा था कुछ 10 दिन पहले कि मैं सोची थी कि मैं एक दिन इस पेज पे होंगी, आई विल बी एबल टू कंप्लीट दिस बुक, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील होता था और मुझे लगता था कि हो जाएगा. आई रीच वन स्टेप, थोड़ा सा बाकी है अंजलि, थोड़ा सा बाकी है अंजलि. सो व्हाई ओनली मिरांडा हाउस, नॉट एनी अदर कॉलेज? सेंट जेवियर्स भी, आप कोलकाता से हैं तो सेंट जेवियर्स भी बिना सीईटी के मिल जाता आपको. व्हाई, मतलब व्हाई मिरांडा हाउस इन कंपैरिजन टू दैट? क्योंकि आई डोंट नो, मतलब डीयू के लिए मुझे स्टार्टिंग 11 से आई हैड डिसाइडेड कि मैं डीयू में ही पढ़ूंगी. एंड डीयू के भी कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस थे, लाइक मिरांडा वाज माय प्रेफरेंस. और सेकेंडली एलएसआर. फर्स्ट प्रेफरेंस मिरांडा हाउस थी आपके, सो यू गॉट फर्स्ट. सेकंड? सेकंड वाज एलएसआर. सो दिस टाइम आपका सीईटी का रिजल्ट आया एंड उसके बाद, मतलब जिस टाइम पे आपको कॉलेज अलॉट हुआ, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? मेरे को तो बिलीव ही नहीं हुआ कि ओके आई फाइनली गॉट मिरांडा हाउस. तो आई वॉज लाइक शॉक्ड एंड थोड़ा सा कि, एंड वही था, इट वॉज नॉट सिंकिंग इन कि हो गया अब ICSE के होते हुए हो गया. तो आई वॉज फीलिंग प्राउड माई सेल्फ कि आई डिड नॉट गिव अप, क्योंकि मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स डिड. वो लोग बीच में छोड़ दिए थे प्रिपरेशन, क्योंकि इट बिकम्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑल्सो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं हम कि क्या हो रहा है. और CBSE स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एनमिटी भी आ जाता है, वैसे कि मैं क्यों CBSE में नहीं गई या फिर वो CBSE में क्यों गई. हाँ, या फिर CBSE का ही सिलेबस क्यों दिया है. अच्छा, तो मतलब मेहनत करते रहोगे तो पहुंच जाओगे. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थोड़ी देर पहले इन्होंने बताई कि थोड़े दिन दोस्तों से दूर होना पड़े तो हो जाओ, बिकॉज दे विल बी लाइक यार छोड़ना क्यों पढ़ रहा है, सेंट जेवियर्स चलेंगे, बढ़िया वहाँ पे दोनों साथ पढ़ेंगे, दोस्ती आगे तक लेके जाएंगे. सो आप अपने दोस्तों से मिलते हो अभी? हाँ, मतलब मैं घर जाती हूँ तो वंस इन अ ईयर टाइप से. ओके, सो ये क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा सा प्रमोशनल लग सकता है कि भैया अपने बारे में पूछ रहे हैं, बट ड्यू बडी लास्ट 4 साल से बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, CET तो अभी आया है. सो टू बी ऑनेस्ट, रिव्यू देना है आपको क्योंकि मैंने तो पहले नहीं बताया आपको क्या बोलना है. तो ड्यू बडी ने आपकी कितनी हेल्प की इन योर जर्नी? आई थिंक ड्यू बडी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन दिस थिंग, इन दिस जर्नी, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि मैं ड्यू बडी से रेगुलर लाइव क्लासेस जो होते थे जिसमें MCQs डिस्कशन चलते थे, तो मैं वो रोज़ अटेंड करती थी एंड मुझे कॉन्फिडेंट फील होता था व्हेन आई वाज एबल टू रिप्लाई, तो मुझे थोड़ा सा इनकरेजमेंट लगता था. एंड सेकेंडली मुझे डीयू बडी वो लाइव क्लासेस के थ्रू ये भी था कि मैं दूसरे बच्चों को भी समझ पा रही थी कि ओके ये बच्चा गलत आंसर दे रहा है, ये CBSE से है तो मैं दे दी सही आंसर. तो आई थिंक वी आर नाउ इन एट द सेम पेज, तो अब हम लोग कम्पीट कर सकते हैं. एंड सेकेंडली डीयू बडी का जो वो जो नए फीचर्स आए थे उस टाइम पे, रिस्पॉन्स शीट चेकर, तो मैंने खुद से, जैसे बताया, खुद से पहले चेक कर लिया था, बट मुझे लगा कि कहीं मेरे चीज़ में कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, 3-4 घंटा लग गया था चेक करने में. तो फिर मैंने उससे किया था एंड फिर आई वॉज गेटिंग द सेम रिस्पॉन्स, तो आई वॉज लाइक सेटिस्फाइड कि ओके ये है स्कोर. एंड व्हाट अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस में कि ये अपडेट आ गया, वो अपडेट आ गया, जिस टाइम पे सब लोग इतनी वीडियोज़ बना देते हैं झूठी मूठी कुछ भी है चल रहा है, तो उस टाइम पे तो मैं डीयू बडी का ही फॉलो करती थी, क्योंकि मतलब CUET एक नया एग्ज़ाम था. तो उसमें मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि कब उसका प्रोसेस स्टार्ट होगा, व्हाट इज़ द लास्ट डेट, हाउ टू अप्लाई, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है. तो आई थिंक उस केस में आई वॉज फॉलोइंग डीयू बडी कम्प्लीटली एंड मैं ऐसे थोड़ा बहुत चेक कर लेती थी यूट्यूब खोल के. आई हैड सब्सक्राइब डीयू बडी, तो मैं खोलते ही मुझे दिख जाता था कोई न्यू अपडेट रहता था, तो फिर अगर मुझे लगता था कि वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए तो मैं देख लेती थी, अदरवाइज़ मैं वो थंबनेल में देख के समझ जाती थी कि दिस इज़ समथिंग न्यू, तो ऐसा है. तो भाई आप भी ड्यू बडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ड्यू बडी पे जो भी वीडियोज़ आती हैं वो एक दिन में हमें 10 वीडियो डालनी है, ये वाले प्रेशर से नहीं आती या कुछ भी हम नहीं डालते, क्योंकि वी नो कल को बच्चे आके हमें ड्यू में मिलेंगे ही, बिकॉज वी आर ड्यू बेस्ड स्टार्टअप विच इज़ इंक्यूबेटेड बाय CIC. ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो
और अगर ये कन्वर्सेशन जो हमारा अंजलि के साथ हुआ आपको पसंद आया हो, कुछ अलग लगा हो, तो यार इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपकी हेल्प हुई हो। एंड साथ ही साथ कमेंट्स में भी बताना, कुछ क्वेश्चन अगर मिस हुए हो तो हम नेक्स्ट टाइम पूछ लेंगे। एंड कमेंट्स में ये भी बताना कि हाँ भैया अच्छा था, हेल्प हुई, काफ़ी अच्छा लगेगा हमें, ठीक है। सो अंजलि थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला एंड आप ICSE वाले बच्चों के लिए स्पेशली आगे से निकल करके आए कि मेरे को शेयर करना है कुछ। एंड कीप स्टडिंग एंड जो भी, आई थिंक UPSC आपका एम है नेक्स्ट। हर कोई जो DU में आता है UPSC एम होता है उसका, मतलब ये वाला आई डोंट वांट टू आंसर सो इसको काट देना भाई। सो अंजलि थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, मिलते रहेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम भी। थैंक यू।